म्यूजिक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कनिष्क अपनी माँ सीता के साथ रहता था। हालांकि कनिष्क 15 साल का था, लेकिन कनिष्क बहुत ही सुंदर बच्चा था। उसको देखकर हर कोई उस पर मोहित हो जाता था, जिसके कारण उसको बहुत ही जल्दी नजर भी लग जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन कनिष्क अपने स्कूल से अपनी माँ के साथ घर आ रहा था, तभी कनिष्क की टीचर कनिष्क की माँ सीता से रास्ते में टकरा जाती है और उससे बातें करने लगती है। नमस्ते मैडम, आज आप मुझे स्कूल में नहीं दिखाई दी, क्या बात है, आज आप स्कूल नहीं आई थी? नहीं सीता जी, मैं स्कूल नहीं गई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी, इसलिए मैं आज घर पर ही रेस्ट कर रही थी। अभी डॉक्टर से ही दवाई लेकर आ रही हूँ। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका कनिष्क सच में बहुत अच्छा है। जितना वो सुंदर है, ठीक उसी तरह उसका दिमाग भी उतना ही तेज है। ये बहुत आगे जाएगा। थैंक यू मैडम, लेकिन हाँ, मेरे बच्चे को इतना आगे तक पहुँचाने के लिए और उसको इतना तेज बनाने के पीछे आप लोगों का ही तो हाथ है। अरे नहीं नहीं सीता जी, कैसी बात कर रही है, हमारा तो काम ही है बच्चों को पढ़ाना। बाकी बच्चे कैसे या उनका दिमाग कैसा है, वो तो बच्चे के ऊपर ही डिपेंड करता है ना। वैसे कनिष्क वाइट ड्रेस में बहुत अच्छा लगता है, माय फेवरेट एंड क्यूटेस्ट बॉय। आई होप कि तुम बहुत आगे जाओ और इसी तरह अपने टीचर्स को भी खुश रखो। अच्छा मैडम, मैं चलती हूँ, देरी हो रही है, मेरे बेटे कनिष्क को भूख भी लग रही है। सीता अपने बेटे कनिष्क को लेकर वहाँ से निकल पड़ती है और थोड़ी देर बाद जब सीता कनिष्क को लेकर अपने घर आती है, तब वो लाल मिर्च से अपने बेटे की नजर उतारते हुए खुद से कहती है, मेरे बेटे को नजर लगा दी उस टीचर ने, अब मुझे ही मेरे बेटे की नजर उतारनी पड़ेगी। जब देखो सब मेरे बेटे को नजर लगाते रहते हैं। सीता कनिष्क की नजर उतारने लगती है, साथ ही अपनी आंखों से काजल निकालकर उसके कान के पीछे काला टीका लगा देती है। ये देखकर कनिष्क अपनी माँ से कहता है, माँ मैं बड़ा हो रहा हूँ, इसीलिए मुझे आप काला टीका मत लगाया करो। आपको पता भी है सब मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, ये कहते कि इतना बड़ा हो गया है फिर भी काला टीका लगा कर आता है। तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता, तू अभी बच्चा है ना, जब खुद मेरी जगह होगा और खुद पेरेंट्स बन जाएगा ना, उस दिन तुझे अपने बच्चे की परवाह और फिक्र समझ आ जाएगी। कनिष्क अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोल पाता और अब दोनों माँ बेटे खाना खाकर सो जाते हैं। देखते ही देखते अब 7 साल बीत जाते हैं, पर सीता अपने बेटे को काला टीका लगाना बंद नहीं करती। कनिष्क कहीं भी जाता तो सीता उसको काला टीका लगा दिया करती। ऐसे ही समय बीतता है, अब कनिष्क शादी के लायक हो गया था। ऐसे ही एक दिन जागृति नाम की एक लड़की का रिश्ता कनिष्क के लिए आता है, जिसके बाद सीता अपने बेटे के पास जाकर उसको लड़की की फोटो दिखाकर बोलती है, कनिष्क बेटा देख तो कितनी प्यारी लड़की है ये, इसके अंदर संस्कार तो कूट कूट कर भरे हैं, एक बार फोटो देख ले, तुझे पसंद है तो मैं बात तेरी इससे आगे चलाती हूँ। माँ आपको पसंद है? हाँ बेटा मुझे तो बहुत पसंद है, एक बार तू भी देख ले तो अच्छा होगा। माँ आपको पसंद है मतलब मुझे पसंद है, आप जिससे कहेंगी मैं उससे ही शादी करूँगा। कनिष्क की बात सुनकर अब सीता जागृति को अपने घर की बहू बनाने की सोचती है और इस तरह अब बहुत जल्द कनिष्क का रिश्ता जागृति नाम की लड़की से पक्का होता है। देखते ही देखते उनकी शादी भी हो जाती है। शादी के बाद जागृति अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन कनिष्क अपने ऑफिस जा रहा था, तभी सीता की नजर कनिष्क के गालों पर पड़ती है, जहां वो देखती है कि कनिष्क ने काला टीका नहीं लगाया है। ये देखकर सीता कनिष्क को रोकते हुए कहती है, अरे कनिष्क तू ऐसे कहां जा रहा है, तुझे पता नहीं है क्या कि तुझे टीका लगाना है, मतलब मैं एक दिन टीका ना लगाऊं तो बिना लगाए चला जाएगा। माँ मैं बड़ा हो चुका हूँ और मुझे खुद का ख्याल कैसे रखना है ये भी आता है, तो प्लीज आप ये टीका मत लगाओ ना। तू चुप कर समझा, मैंने तुझे कितने नाजों से पाला हुआ है तू नहीं जानता, और अगर मैं तुझे ये काला टीका लगा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे शौक से लगाती हूँ। कनिष्क कुछ नहीं बोलता और काला टीका लगवा कर वहाँ से चला जाता है। कनिष्क जब ऑफिस जाता है, तब कनिष्क के ऑफिस में उसका कलीग उससे कहता है, भाई कनिष्क ये बता के तू ये काला टीका क्यों लगा कर आता है, मतलब तू इतना बड़ा हो गया फिर भी तू इस तरह बच्चों की तरह काला टीका लगाता है, तुझे अजीब नहीं लगता? कनिष्क उसकी बातों का जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो कलीग उसका मजाक बनाने लगता है, दोस्तों हमारे ऑफिस में एक छोटा बच्चा काम करता है जो हर वक्त काला टीका लगाए घूमता रहता है, अरे हमें तो अपने बॉस से बोलना चाहिए कि आप बच्चों से बाल मजदूरी क्यों करवा रहे हो। कनिष्क भैया अब जब बड़े हो जाओगे ना तब ऑफिस आना काम करने, उससे पहले यहाँ मत आना।
कनिष्क किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे पाता और चुपचाप अपने काम को करने लगता है। शाम को जब वो घर आता है तो किसी से बात नहीं करता और चुपचाप बाथरूम में जाकर अपने गालों से उस काले टीके को हटाने लगता है और खुद से रोते हुए कहता है, क्यों माँ, क्यों क्यों आप मुझे काला टीका लगाती हो। कनिष्क रोकर खुद से बातें कर रहा था तभी बाहर जागृति अपने पति को आवाज लगाते हुए कहती है, कनिष्क जी खाना ठंडा हो जाएगा, प्लीज जल्दी बाहर आ जाइए। कनिष्क अपना मुंह धोकर बाहर आता है और खाने की टेबल पर जाकर बैठ जाता है। कनिष्क के गालों पर काला टीका ना देख एक बार फिर से सीता कनिष्क को कहती है, कनिष्क बेटा तूने फिर से अपने टीके को हटा दिया, उसको लगाए रखा कर बेटा। बस करो माँ, बहुत हो गया। अरे आपको पता भी है आपके इस टीके की वजह से मुझे बाहर कितनी इंसल्ट का सामना करना पड़ता है। नहीं जानती ना आप, मैं आपको बताता हूँ, मुझे सब बच्चा बोलते हैं कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ। माँ मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे मेरे अच्छे बुरे सबका पता है, इसीलिए आप मेरी लाइफ में दखल अंदाजी ना ही करें तो ज्यादा बेटर है। और हाँ, ये काला टीका अब मत लगाना मुझे। कनिष्क खाना नहीं खाता और वहाँ से गुस्से में कमरे में चला जाता है तो वहीं बेचारी सीता की आंखों से टपा टप आंसू गिरने लगते हैं। ये देखकर जागृति कहती है, मम्मी जी आप रोइए मत, अभी कनिष्क जी गुस्से में हैं। जैसे ही उनका गुस्सा शांत हो जाएगा वो आपसे माफी मांग लेंगे, मैं उन्हें समझाती हूँ। नहीं बहू, तू उसको कुछ मत बोलना, शायद वो सही बोल रहा है। मैं उसको लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर पोजेसिव हूँ, मैं उसकी लाइफ में कुछ ज्यादा ही दखल अंदाजी कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मम्मी जी वैसे मैं भी आपसे एक सवाल काफी समय से करना चाहती थी कि आप उनको यूं इस तरह काला टीका क्यों लगाती हैं? बहू कनिष्क पहले बहुत बीमार पड़ता था, वो काफी सुंदर बच्चा था इसलिए उसको बहुत जल्दी नजर लग जाती थी। एक बार ये बहुत बीमार पड़ गया, मैंने बहुत दवाइयां करवाई पर फिर भी ठीक नहीं हुआ, तब मैंने इसकी नज़र उतारी थी तो ये ठीक हो गया था। तब से मैं समझ गई कि इसे बहुत जल्दी नज़र लगती है, इसलिए तब से ही मैंने इसे काला टीका लगाना शुरू किया। अच्छा, तभी ये मेरे काले टीके वाले पति बन गए। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, इन्होंने आपसे जैसे गुस्से में बात की है ना, ठीक वैसे ही आपके पास आएंगी और आपसे माफी भी मांगेंगी। जागृति अब अपने पति के पास जाती है और उससे बोलती है, कनिष्क जी आपने मम्मी जी से ऐसे बात करके ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। पता भी है आपके यहाँ गुस्से में आने के बाद मम्मी जी बाहर कितना रो रही थी, आपको उनके प्यार की कदर क्यों नहीं है? जागृति मुझे मेरी माँ और उनके प्यार दोनों की कदर है, पर माँ क्यों नहीं समझती है कि मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा, तुम्हें पता भी है कि ऑफिस में मुझे क्या क्या सुनना पड़ता है। इतना बोलकर अब कनिष्क उसको सारी बात बताता है, जिसकी बातें सुनकर अब जागृति अपने पति से कहती है, मेरे प्यारे काले टीके वाले पति देव, आपको पता है मम्मी जी आपको ये काला टीका क्यों लगाती हैं? नहीं पता ना? जागृति अब कनिष्क को सारी बात बताती है, साथ ही उसको समझाती है। उसकी बातें सुनकर कनिष्क को अपने किए गए बर्ताव का दुख होता है और वो अपनी माँ के पास जाकर उससे माफी मांगता है। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में आपको भला बुरा बोल दिया ना। नहीं बेटा, अब जब बच्चे गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा, लेकिन हाँ अब तुम मेरा काला टीका मत हटाना। इतना बोलते ही सीता उसके गालों पर फिर से एक काला टीका लगा देती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।